और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही सलेमपुर बाज़ार है और आगे वहाँ पर बस स्टैंड है, वहीं पर आप आरा से आते हैं तो बस वहाँ पर लगेगा और ये सलेमपुर यही बाज़ार है और इसी रास्ते से जो है टुनटुन यादव जी का घर है, ये देख सकते हैं। टायर पंचर हो गया है, अब यहाँ से हुआ कि भाई गाड़ी छोड़ने का, लेकिन गाड़ी अभी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, भैया के साथ ही जाएंगे और बना रहे हैं, देख लीजिए। तो देखिए यहाँ से बस 5 मिनट लगेगा टुनटुन यादव का घर जाने के लिए। स्वागत बा आप लोगों के एगो नया ब्लॉग में और अभी हम बानी बिहार के आरा जिला के एगो छोटा सा गांव सलेमपुर, और सलेमपुर में एगो बहुत ही नामी गायक जो ना कि आज कोनो पहचान के मोहताज नहीं खन, आज हर बच्चा बच्चा उनका नाम जानेला, उनका गाना उनका जुबान पर रहेला। हम बात करें तनी सलेमपुर के एगो छोटा सा गांव से निकलल भोजपुरी के ट्रेंडिंग गायक टुनटुन यादव के, सब लोग जानत हो इनकर एगो गाना बहुत आजकल चलता वायरल भइल बाटे, आर्मी लवर गाना, दुर्गा पूजा में खूब बजल ई गाना, आप लोग बहुत उ गाना के प्यार देनी। और एगो और गाना बहुत उनकर हिट भइल रहे कि पावर होला अहिर जाति मेरे, और ई गाना तो आप लोग खूब सुने, इतना प्यार दिए, और इसी गाना से जो है टुनटुन भैया ट्रेंडिंग में आए और इस गाना से जो है उनका एक पहचान बना और आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं वही टुनटुन यादव जी के घर पे, जो कि बिहार का एक छोटा सा आरा जिला है, वहाँ का एक छोटा सा गांव है सलेमपुर, और वही सलेमपुर में देखिए ये टुनटुन भैया का घर है, ये देख सकते हैं। और सबसे पहले हम बता देते हैं कि अगर आप लोग जितने भी टुनटुन भैया के फ़ैन हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आना कैसे है तो ये मैं बता देता हूँ कि अगर आप बाइक से आते हैं तो सीधे डायरेक्ट यहाँ तक आ सकते हैं, और कहीं से भी आप आ रहे हैं तो आरा आइए, आरा स्टेशन आइए, और आरा स्टेशन से आपको आना होगा पुलिस लाइन, जो कि आप किसी से भी पूछिए पता कीजिए पुलिस लाइन, और वहाँ से सलेमपुर के लिए बस चलता है, रेगुलर बस चलता है, अभी हम भी बस से ही आए हैं तो वहाँ से बस चलता है, और बस से आप जो है यहाँ सलेमपुर आ सकते हैं। और सलेमपुर बाज़ार आने के बाद बस जस्ट पास में ही 2 मिनट लगेगा, वहाँ भैया का घर है, ये देख सकते हैं पीछे हमारे, यही भैया का घर है, और पीछे भैया का ये ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो लगा हुआ है, और थोड़ा सा दुर्भाग्य है भैया है नहीं, नहीं तो जो भी आता है हम भी चाहते हैं कि यार आएँ तो भैया से मुलाकात हो, बट है नहीं, पटना गए हैं ना, तो ये देखिए छोटा ये बच्चा है, बताया कि पटना गए हुए हैं भैया, और टुनटुन भैया का भी एक भतीजा थे, वो भी बताएं कि भैया अभी पटना में शूटिंग कर रहे हैं किसी गाने का। तो ये देख सकते हैं भैया का ये कार लगा हुआ है, और ये भैया का घर है कुछ इस तरह का, सलेमपुर का ये घर है देख सकते हैं, और ये है मेन गेट भैया के घर का देख सकते हैं। अभी हम आपको पीछे वाले कैमरे से भैया का घर का और इसके आसपास का नज़ारा दिखा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा हमारे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये भैया के घर के पास का ये रोड है, और ये सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर नज़ारा है, और ये रहा सामने भैया का घर, ये देख सकते हैं यही भैया का घर है, और ये मेन गेट है, और बहुत ही खूबसूरत भैया यहाँ पे बनाए हैं घर सलेमपुर में, ये देख सकते हैं। और ये देखिए सामने गाय वगैरह भी है, गौशाला है देख सकते हैं। और ये रहा घर का अंदर का सीन, और ये जो है बाबू जो है टुनटुन भैया के भतीजा हैं, है ना जी, एक हाय कर दो हाथी ला के। तो ये बच्चा भैया का भतीजा है, अपना इंट्रो दिया कि हम भतीजा हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पर टुनटुन भैया का ये कार लगा हुआ है, सॉरी स्कॉर्पियो लगा हुआ है, ब्लैक स्कॉर्पियो, जो कि बहुत ही खूबसूरत है भाई, ये देख सकते हैं। और एक और गाड़ी यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पर भैया का ये गाँव वाला घर है सलेमपुर, ये देख सकते हैं। और सलेमपुर आने के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको ज़्यादा कष्ट सोचना नहीं है, बहुत ही मतलब इजी रास्ता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, बाइक से अगर आप आते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर सलेमपुर बाज़ार आप आ सकते हैं, और यहाँ से किसी से बच्चा बच्चा से पूछिएगा तो आपको भैया का घर बता देगा कहाँ पर। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यही भैया का घर है, ये बाहर से इस तरह का नज़ारा है, और वहाँ पर देख सकते हैं वही भैया के घर का मेन गेट है, कुछ इस तरह का भैया का घर का ये बाहर का नज़ारा है देख सकते हैं, और सामने ये रास्ता है, और ये सामने एक ये लोकेशन है, और आपको यहाँ पर आने के लिए ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बच्चा आपको बता देगा कि टुनटुन यादव जी का घर कौन सा है, ये देख सकते हैं यही घर है और ये रास्ता है, और इसी रास्ते से अभी हम लोग जाएंगे वापस। तो बहुत ही बढ़िया लगा भैया का घर पर आए, भैया तो थे नहीं, उनके भाई से मुलाकात हुआ, और बहुत ही अच्छा मतलब उनका बिहेवियर था, बर्ताव था भैया का,
और बात हुआ है, अभी बोले हैं कि टुनटुन भैया अगर गांव पे आते हैं तो उनको खबर करेंगे। बहुत अच्छा लगा मिलके भैया से। टुनटुन यादव टोटल 7 भाई हैं और टुनटुन भैया जो है तीसरे नंबर पे आते हैं। इनसे बड़े 2 भैया लोग हैं और तीसरे नंबर पे ये हैं और पीछे हमारे देख सकते हैं वो भी भाई ही हैं, नहीं आ रहे, बोल रहे कि हम वीडियो में नहीं आते हैं, जिद नहीं किए। तो वो एक भाई हैं और एक और छोटा भाई अभी मिले थे यहाँ पे। तो टोटल 7 भाई हैं और टुनटुन भैया जो है अभी हम इनसे बात किए तो बताएं कि मतलब भैया इंटर तक पढ़ाई किए और इंटर में मतलब इंटर के करने के बाद से जो है उनका रुझान जो है सिंगिंग की तरफ जाने लगा और सिंगिंग करने लगे भैया। और उसके बाद ग्रेजुएशन किए हैं, मतलब अच्छा खासा एजुकेशन हासिल किए हैं और उसके बाद सिंगिंग लाइन में आए। और देखिए कि आज इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद इतना अच्छा एक मुकाम हासिल किए हैं। आज भैया का जो भी गाना आता है यार हर गाना हिट हो रहा है, चाहे अभी छठ में भी गाना आने वाला है बहुत सारा, अभी पटना में शूटिंग भी कर रहे हैं भैया वहाँ पे, तो बहुत सारा गाना अभी आने वाला है। तो देखिए अभी हम भैया से बात किए हैं और कोशिश करेंगे फिर कभी उनसे मिलने का भी, और आज तो मिल नहीं पाए। तो चलिए बस आप लोग अपना प्यार दीजिए हमको भी, जैसे भैया को प्यार देते हैं टुनटुन यादव जी को आप प्यार देते हैं वैसे अपना प्यार। रनिंग में ख़राब हुआ है, जहाँ जाना था वहाँ का काम हो चुका है, ये देख लीजिए। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको टुनटुन यादव भैया का ये सलेमपुर गांव का घर वाला ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही ऐसे नया नया वीडियो देखने के लिए अभी बहुत जल्द हम खेसारी लाल यादव हैं सिंगर भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, तो उनका घर छपरा का भी हम ब्लॉग वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा ताकि हम जो भी नया अपडेट दें वो आपके चैनल पर आता रहे, आपके पास पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।